सेम कंपनी, वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, इसके बाद कहता है पार्टनर हु इज, अगर कोई पार्टनर हुआ तो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लो एक्स वाई जेड कंपनी है, इसके अंदर कोई पार्टनर है और वो सीए है और वो चाहता है मैं इसका ऑडिट करूं, नहीं कर सकता। या फिर किसी ने इस कंपनी के सारे एम्प्लॉई को रखवाया हो, आप जानते हो ना जैसे job.com हो गया रिक्रूटमेंट, वो क्या करता है कि जैसे मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या करता हूँ, सारे जितने भी है लोग उसको अकाउंटेंट का जॉब मैं दिलवा रहा हूँ, मैं इस कंपनी का ऑडिट करूंगा और मैंने ही सारे अकाउंटेंट भेजे हैं, तो क्या मैं उस सारे अकाउंटेंट की गलती निकालूंगा, फिर से फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए बोला गया अगर पार्टनर हुआ या कोई भी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉई हुआ तब भी नहीं कर सकता। ये क्या है 41 सबसेक्शन 3 का क्लॉज, उसको बाद वाला क्यों बोलते हैं, क्लॉज ए, ये क्या है क्लॉज बी, और ये क्या है क्लॉज, सबसेक्शन 3 चल रहा है हमारा लेकिन क्लॉज ए क्लॉज बी। तो क्लॉज ए क्या कहता है कि कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, क्लॉज बी कहता है एम्प्लॉई और ऑफिसर, क्लॉज सी क्या कहता है पार्टनर नहीं बन सकता, क्लॉज डी क्या कहता है एनी पर्सन और हिज रिलेटिव चार्टेड अकाउंटेंट या उसका कोई भी रिश्तेदार। अब रिलेटिव कौन होता है, रिलेटिव जो आपने एच यू एफ में पढ़ा है उसे रिलेटिव बोलते हैं, फादर मदर स्टेप फादर स्टेप मदर डॉटर सिस्टर, ये सारे के सारे क्या है रिलेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, कहा गया देखो कितना स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया किसी ऑडिटर को बनने के लिए कि अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव होल्डिंग होल्डिंग एनी सिक्योरिटी मतलब कोई भी शेयर और इंटरेस्ट इन द कंपनी, अगर किसी का कोई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब लेन देन, इंटरेस्ट कंपनी के साथ है या कोई शेयर रखता हो वो चार्टेड अकाउंटेंट या उसका कोई रिश्तेदार, देन ही विल बी नॉट एलिजिबल ऑडिट टू दैट कंपनी। समझ में आई बात, वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। जैसे कि पॉइंट नंबर वन रिलेटिव, देखो अगर वो खुद है तो शेयर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रख सकता, जैसे कि होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, अगर एक रुपए का भी शेयर है, मान लो अभी रिलायंस का है, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप रिलायंस कंपनी का ऑडिट करने चाहते हो, गलती से आपके पास रिलायंस का एक शेयर है 1000 रुपए का, तो आप उस कंपनी का ऑडिट, बोला गया एक भी आपके पास नहीं होना चाहिए, इवन सिंगल नहीं होना चाहिए। अभी अभी 2 मिनट नीचे वेट कर लो, अभी छुट्टी करके तो अभी नहीं हुआ, नीचे वेट करो या ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाओ, ये चाबी ऊपर की है, ऊपर वाले पे थर्ड में। ठीक है, तो यहां पे क्या मैं बता रहा था कि अगर आप एक रुपए का भी शेयर्स या इंटरेस्ट रखोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर टू, रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी नोट एक्सीड 1 लाख। अब यहां पे 1 लाख का लिमिट क्यों डाला, देखो जैसे कि आपको एक्स वाई जेड लिमिटेड का ऑडिट करना है और आप सोच रहे हो हम इसका ऑडिट करें, आपका रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, वो बोलता है कि मैं इस कंपनी को ऑडिट नहीं दूंगा, तो फिर क्या वो ऐसा कर सकता है, बिल्कुल वो क्या कर सकता है कि इस कंपनी का आपका रिलेटिव 1000 रुपए का शेयर खरीद ले, तो क्या ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया, हो गया। ऐसे दुश्मनी भी तो निकाला जा सकता है, आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हो और आप जा रहे हो किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए, और ऑडिट करने के लिए जब जा रहे हो तो आपका रिलेटिव बोलता है कि अब देखते हैं इसे कैसे ऑडिट मिलता है, उसने उसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, पॉसिबल है। तो अगर चार्टेड अकाउंटेंट जो ऑडिटर है वो 1 रुपए भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटिव को बोला गया भाई ऐसे तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, तो इनकी लिमिट बढ़ा के कर दी 1 लाख। अगर वो रिलेटिव 1 लाख रुपए का शेयर्स या इंटरेस्ट कंपनी में रखेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक्सीडिंग 1 लाख है, 1 लाख तक नहीं है, क्या लिखा हुआ है, एक्सीड रुपीज 1 लाख। ठीक है, आगे लिखता है इनडेबिटनेस, मतलब अगर ऑडिटर ने कर्जा दिया हो कंपनी को और अगर 5 लाख रुपए तक का कर्जा दे रखा है तो वो क्वालिफाई है, लेकिन अगर गारंटी दिया हो, जैसे गारंटी क्या होता है, बैंक से लोन नहीं मिल रहा तो बैंक वाले बोलते हैं कोई गारंटर दो, तो उसने उसका गारंटी दे दिया, तो गारंटी दिया हो तो वहां पे 1 लाख,
ये क्या है देखो, अब इस सेक्शन को देखो कैसे लिखा हुआ है, 141 सबसेक्शन 3 क्लाउज डी और सब क्लाउज पॉइंट नंबर 1, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, ऐसे सेक्शन बना हुआ है ये, समझ में आया? तो पहला क्या कहता है, डी में अगर आपने कंपनी के अंदर कोई भी शेयर रखा डिस्क्वालीफाई, आपके रिलेटिव 1 लाख से ऊपर रखे तो डिस्क्वालीफाई, अगर आपने लोन दिया है कंपनी को तो 5 लाख रुपए तक छूट है, बाकी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, अगर आपने क्या करा है गारंटी दिया है तो कितने रुपए तक, 1 लाख। तो सबसे पहले देखो ए पॉइंट क्या कहता है, कोई भी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकता। बी पॉइंट क्या कह सकता है, एम्प्लॉई और ऑफिसर। सी क्या कह सकता है, पार्टनर। और डी पॉइंट अभी हमने देखा। डी के बाद आ जाओ ई पॉइंट पे। ई पॉइंट क्या कहता है, अगर आप डायरेक्टर आपका कोई रिलेटिव कंपनी में हुआ तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टर है और आपका रिलेटिव कोई जॉब कर रहा है वहां पे, जैसे मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, मैं इस कंपनी का ऑडिट करने जाऊंगा और इस कंपनी के अंदर मेरा रिलेटिव डायरेक्टर है, तो वो तो मुझसे बोलेगा ना भाई देख लियो यार अपनी कंपनी है सही से करिए उसको, ठीक है रिपोर्ट, तो वहां पे भी डिस्क्वालीफाई है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशन विद द कंपनी, सॉरी मैंने डायरेक्टर का पॉइंट ये है, एफ पॉइंट है, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर, वो भी डिस्क्वालीफाई। अब देखो हम जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं वहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, बिजनेस रिलेशन मतलब कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। तो जैसे बोला गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, मान लो मैं रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है, अब रिलायंस का ऑडिट करने गया तो रिलायंस के बहुत सारे काम है, या मैं मान लेता हूं टाटा का मैं ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है, टाटा का बहुत सारा काम है। अब टाटा क्या करता है, अपने पास कार भी बनाता है, ठीक है, और एक मिस्टर राम है, इस ये एक ऑडिटर है, इसका बेटा जो है मिस्टर मोहन, इसका एक फैक्ट्री है मान लो टायर बनाने का, ठीक है, अब ये ऑडिटर है, ये इस कंपनी में ऑडिट करेगा तो इस सबसे जान पहचान होगी, अगर इसने बोला कि एक काम करो ना आपका तो ऑटोमोबाइल कार वगैरह बनाते हो तो टायर की तो जरूरत पड़ती होगी आपको, टाटा ने बोला हाँ जरूरत पड़ती है तो मेरे बेटे से खरीद लो ना आप, तो ये ऑडिटर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये अपना काम तो चला ही रहा है और अपने रिलेटिव का भी, हाँ तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मिल गए, ये कभी नहीं चाहेगा इस कंपनी का रिपोर्ट कैसा हो, फेयर हो, कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो वही बोला गया कि डायरेक्टली या मैं खुद या इनडायरेक्टली या मेरा कोई रिलेटिव बिजनेस रिलेशनशिप में कंपनी में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो मैं जो आपको सर्विस दूंगा तो उसके बदले पैसे तो लूंगा, तो ये वाला वैलिड है, सिर्फ एक पॉइंट रखा गया, नहीं तो अगर बोल दिया जाता कि कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए तो मैं सर्विस दे रहा हूं तो मेरा भी तो बिजनेस है तो मेरा भी रिलेशनशिप आ गया तो वैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो ये पॉइंट बोला गया ये होना चाहिए। दूसरा मान लो मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और एक बहुत ही रेपुटेड चार्टेड अकाउंटेंट हूं, क्या मैं मोबाइल फोन यूज करता हूं, मान लो एयरटेल का सिम यूज कर रहा हूं और मैं एयरटेल कंपनी का ही ऑडिट कर रहा हूं तो बिजनेस रिलेशनशिप तो हो गया ना, ठीक है, लेकिन यहां पे बोला गया ऐसे तो हर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो बोला गया अगर कोई चीज आप खरीदते हो किसी कंपनी से तो उसका फेयर प्राइस अगर आप पेड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपना ही ऑडिटर दे दो भाई इसे, इससे पैसे वैसे नहीं लेना अपना, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए फेयर, फेयर प्राइस को क्या बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस, हाँ तो इसे क्या बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस, यानी प्राइस क्या होना चाहिए फेयर होना चाहिए। तो ई पॉइंट में क्या कहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, एफ पॉइंट में क्या कहता है डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। अब ये देखो मैक्सिमम लिमिट 30, आप जब ऑडिटर बनते हो ना, जब ऑडिटर बनोगे तो ये लिमिट अमेंडमेंट में आया है एज पर सेक्शन 141 3 जी के अंदर बोला गया कि आप भी 20 लिमिटेड कंपनी से ज्यादा का ऑडिट नहीं कर सकते। देखो कंपनी दो प्रकार के लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो बोला गया कि आप अपने लाइफ में एक साल में 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते, 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते। मान लो आपके बहुत जान पहचान आपके पास 21 कंपनी आ गई ऑडिट के लिए, तो 21वें कंपनी के लिए आप ऑटोमेटिक क्या हो जाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हाँ 30 लिखा है, लेकिन आईसीआई ने बोला कि आप 10 कंपनी और हम अपनी तरफ से बोनस दे रहे हैं,
लेकिन जो 10 कंपनी होगा वो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड हो, ठीक है, और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। टर्नओवर जो होना चाहिए 100 करोड़ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहां पे सारे के सारे लिमिटेड हैं, चाहे लिस्टेड अनलिस्टेड, लेकिन यहां पे प्राइवेट लिमिटेड कौन से होंगे जिसके टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो 20-30 लिमिट कैसे है, 20 वैसे है। और ये एक ऑडिटर कितने ऑडिट कर सकता है, ऑडिट की फीस होती है, जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम चार्ज करते हैं,